लगाओ बाइट करो। बना रहे थे मैम, एक मिनट आप साथ में यह जो आम के पत्ते का तोरण बना है, इसी को संस्कृत में यज्ञमाला भी बोलते हैं। और यह यज्ञमाला की एक विशेषता है कि महीने तक इसके पत्ते सूखते नहीं है, तो दीपावली के एक महीने बाद तक भी यह आपके घर में हरे भरे ही रहेंगे। मोदी जी का जो संदेश आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं सफल सिद्ध हो रहा है, और आत्मनिर्भरता जो एक और बैच आ सकते हैं यहाँ पे बीच का सीख सकते हैं। छात्र दीपक बना रहे हैं अपने मैं हमारे महानुभावों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम का बचपन में हम कहानियों में सुनते थे कि छात्र जीवन मिट्टी के समान होता है और कुम्हार उसे आकार देकर सुंदर सुंदर दीपकों में परिवर्तित करता है, और आज छात्रों को हम वह दीपक बनाते हुए देख रहे हैं तो काफी हर्ष हो रहा है। लेके आए हो ना जो बच्चे बनाएंगे मैम, ये इसको ये दिखाया था, मैंने दिखाया, अब इसको दोबारा से गोल करके दोबारा बच्चे बनाएंगे। एक ही लेके आए हो, बहुत सारे लाने थे ना, सारे बच्चे से ज्यादा क्यों नहीं लाया सामान मैम? मुझे जितना बोला गया था उतना मुझे, और इतने बच्चे जो सीखेंगे एक एक तो शास्त्र तभी विकसित होंगे जब उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों में निपुण किया जाएगा, एवं छात्रों में इस प्रकार की रुचि जागृत होने से इस एक एक मोती में उधमपुर की वह मेहनत झलक रहा है और चमक रहा है। आशा करते हैं समाज में इसी प्रकार की चमक एवं ऐसे कुशल कार्य होते रहे। ये भी ले लेंगे, बाकी कितने बचे हैं तो स्कूल को दे दो, जम्मू को 10-15 हाँ लगाएंगे, गेट पे लगा देंगे। और भी तो है सामान बेचने के लिए, शुद्धि ये तो सेल हो ही गया सर, और क्या चाहिए, और क्या बनेंगे? दिए हैं ये वाले, दिए गोबर के तो थोड़े ही हैं क्योंकि वही ऑर्डर पूरा हो रहा है। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दिल्ली पब्लिक स्कूल नागमनी में हैं और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं कोलैबोरेशन में श्रुति जी आए हैं, शी इज़ अ ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर फ्रॉम बरवाल ब्लॉक, वी आर फ्रॉम जेके जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद, एंड यहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज़ आई हैं
हमारे टिकरी गांव से आए हैं। आपने सुना होगा आजकल वो बहुत ही सुंदर दिए बना रहे हैं, इको फ्रेंडली, जो गोबर से बनाया जाता है। हमारे बच्चों के साथ एक वर्कशॉप हो रहा है जी, जहाँ पे हम ये लेडीज़ को इनकरेज भी कर रहे हैं। इनका इस बारे और हर बारे, ये पहला स्कूल है जम्मू में, जम्मू क्षेत्र में, जो इको फ्रेंडली स्कूल है। डीपीएस नागबनी इज़ अ इको फ्रेंडली स्कूल। और हम हमेशा, हमारा मकसद ये है, आज हमारे तीनों स्कूल यहाँ मौजूद हैं, हमारे डीपीएस जम्मू, हमारे कटरा एंड नागबनी। हमारे बच्चे भी वहाँ से आए हैं सीखने के लिए कि यहाँ ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे तोरंस भी बने हैं, बहुत सुंदर सुंदर आप देख रहे हैं, और दिया बने हैं। ये हमारे गांव की बहनें मसाला टिक्कीज भी लाए हैं, और गेंदे के फूल भी लाए हैं। और हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप कैसे ये बना के बी कॉन्शियस, सेलिब्रेट दिवाली इन अ इको फ्रेंडली वे, इन अ सस्टेनेबल वे, और इन अ कोलैबोरेशन विद आवर रूरल सेक्टर। हम छोटी उम्र से सिखा रहे हैं बच्चों को कि सेंसिटिव हो जाओ, आपके गांव के बच्चे के साथ आप मिलाव करो, एंड यू वी मस्ट ऑलवेज बी टुगेदर एंड सपोर्टिव ऑफ इच अदर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द रूरल जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड उम्मीद फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न एंड टू ऑल्सो एंगेज विद दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। जी, हमारे साथ हैं श्रुति एंड आप।